हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कंबाइंड वीडियो। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं कब से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम एक परमाणु को देखेंगे, उसमें होता क्या क्या है। एक नोट ही पढ़ेंगे लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे जैसे उसमें होता क्या क्या है, सब तथ्य तुम्हें बताए जाएंगे, सच्चाइयाँ। तो नोट देखेंगे हम। बेटा एक परमाणु होता है इस प्रकार का, इसके होते हैं ऐसे, तो बेटा इसके जो बिल्कुल बीच का केंद्र होता है उसको बोलते हैं नाभिक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाण्विक कण जो होते हैं उनका नाम है बेटा, तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश यानी कि ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव दिखाया जाता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, बहुत अच्छा नाम है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, आप लोगों ने सुना होगा, सर जोसेफ जॉन थॉम्सन, सर जे थॉम्सन भी बोलते हैं इनको प्यार से, जोसेफ जॉन थॉम्सन, और इन्हें प्यार से सर जे थॉम्सन भी बोलते हैं। सर हम इसलिए लगाते हैं बेटा, ये बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए इनके लिए हम क्या लगाएंगे, सर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करी बेटा अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, जिसको बोलते हैं गोल्डस्टीन, यस ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन भी बोलते हैं, इनके आगे भी सर लगा दीजिए, ये बहुत बड़े लोग हैं गोल्डस्टीन। और तीसरे जो थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अब सुनिए बेटा, न्यूट्रॉन नामक चीज की डिस्कवरी करी, चीज है ना मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी भैया हमारे जेम्स, हमारे अपने सर जेम्स चैडविक ने, अभी करी थी कुछ सालों पहले, 1932 में की थी अभी, कुछ पिछले कुछ दिनों पहले, और सबकी डिस्कवरी हो गई। अब बेटा ये नाभिक जो है ना, नाभिक इसकी डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, रदरफोर्ड ने करी है, सर रदरफोर्ड, सर जरूर लगाइएगा, सर रदरफोर्ड, हिंदी में, हिंदी में भी इनने नाभिक की डिस्कवरी करी है, जिनका नाम है सर रदरफोर्ड, इंग्लिश में रदरफोर्ड। तो बेटा इसमें देखो क्या होता है, इसे बोलते हैं नाभिक बेटा, ये इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, कोश, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोश, और हर एक कोश में होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, बॉरबरी अंकल बताए थे 9th क्लास में, जब तुम 9th में होंगे जब भी बताए थे बॉरबरी अंकल, और 11th में भी बताएंगे, एक ही सूत्र से भरे जाते हैं 2n2। तो बेटा ये n की संख्या ही होती है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये पहला कोश है इसलिए n बराबर 1, दूसरा कोश n बराबर 2, तीसरा n बराबर 3, n बराबर 4, चौथा कोश, चार ऑर्बिट हैं, चार उनकी ऊर्जा लेवल या ऊर्जा स्तर हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इन्हें, दे आर एनर्जी लेवल। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n2 फॉर्मूले से भरे जाते हैं, n की जगह एक रखोगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में इसी तरह 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 18, चौथे में 32, इसके बाद ये फॉर्मूला फेल हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इसका भी कारण है बेटा, इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि जो उपकोश होते हैं बेटा, उपकोश वो केवल होते हैं चार, यानी कोश के अंदर जो उपकोश हैं वो होते हैं चार, जो होता है, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। ऐसे बॉरबरी जैसे एक महापुरुष ने बताया कि जो नंबर ऑफ उपकोश, मतलब नंबर ऑफ कोश है, जितने कोश हो, कोश का जो नंबर है बेटा उसमें उतने ही उपकोश होंगे, इसमें एक उपकोश है तो इसमें एक उपकोश, इसमें दो उपकोश होंगे S और P, इसके तीन होंगे S, P और D, और इसमें चार होंगे S, P, D, F, और इनका ऊर्जा स्तर बेटा अगर दो में दो हैं तो ये 2s और 2p है,
तीन में तीन है तो ये 3s और 3p और 3d हैं, और चार में तो 4s 4p 4d और 4f 4f हैं। तो ये होता है बेटा एटम का कोश, उपकोश, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बेटा इसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, कोशों में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे होते हैं, वैसे नाभिक की चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक ऊर्जा के साथ जो इनकी खुद की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से ये घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है सर? एटम के अंदर बेटा, ये इसके अंदर बैठे हैं दोनों, न्यूट्रॉन भी अंदर है और प्रोटॉन भी अंदर है। और कल मैंने तुम्हें बताया था व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या जितनी होती है वही होता है उनका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। अब हम बात करें एस उपकोश, एस उपकोश में बेटा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं केवल, पी उपकोश में आते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोश में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ उपकोश में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस के पास बेटा एक ही घर होता है, एक ही डब्बा होता है, एक डब्बे में, एक जूते के डब्बे में दो जूतों से ज़्यादा नहीं रख सकते, ऐसा हुंड अंकल ने बताया था। इसी प्रकार और दो जूते भी बेटा एक सीधा रखा जाएगा और एक उल्टा, ऐसा नहीं होगा दोनों सीधे रख दिए, ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए एक सीधा रखा जाता है जिसको बोलते हैं वामावर्त, और एक उल्टा रखा जाता है जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने डब्बे होंगे बेटा? आप लोगों को भी पता चल गया होगा अब तो, 3। डी में 5 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 10 तो डब्बे 5, और एफ में इलेक्ट्रॉन 14 तो डब्बे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक और 7, 7 डब्बे। ये बेटा क्या होते हैं इनके, इनको बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल, हिंदी में बोलते हैं कक्षक, हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षक। और एस को बोलते हैं, ये होते हैं बेटा सबशेल इंग्लिश में, एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, ये चारों क्या होते हैं? सबशेल होते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा उपकोश, हिंदी में बोलते हैं उपकोश। तो एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं देख लो बेटा, ढेर लग गया है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखो। सबशेल, उपकोश, ऑर्बिटल, कक्षक, ये सब चीज़ें होती हैं एक परमाणु के अंदर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि एक कोश में ही घूम रहा है, एक कोश के अंदर, उपकोश के अंदर, किसी कक्षक के अंदर होता है, और वो भी किसी आवर्त में घूम रहा है, या तो वामावर्त घूम रहा है क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड बेटा एटम, ये पूरा परमाणु है। इसको आपको समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल से हम पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम।